कन्नौज में लगातार प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के चलते आवारा सांडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आवारा गोवंश अब फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ लोगों की जान तक लेने लगे हैं। इतना ही नहीं, पालतू पशुओं पर हमला करके उनको मौत के घाट उतारने लगे हैं। और ये सारी घटनाएं अब कन्नौज प्रशासनिक दावों की पोल भी खोलती नजर आ रही है। ताजा मामला छिबरामऊ क्षेत्र के पास पाल मोहल्ले का है, जहां आवारा सांडों के झुंड ने एक पालतू गाय पर हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाथों में हथियार लेकर पूरे क्षेत्र में आवारा सांडों को पीटना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो पास में एक गौशाला भी है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, आवारा सांड जीना मुश्किल कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर एडीएम गजेंद्र सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। गिरगिश कुमार डाला उन्होंने, करीब 25-30 जान में ढिला घूमे हुए हैं। यहाँ पे गौशाला यहाँ बनी, उसमें कोई सांड पकड़े नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे सांड पकड़े नहीं जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं। हम लोग करने भी जाए तब भी नहीं, वो लोग देते हैं। बाहर गाय बनी थी, सड़ों में आए भाई सांड, मतलब उन्हें मारा मुड़ी करीब बहुत। हम लोग खाना खाने गए थे, गाय बनी थी, जब तक हम आए तब तक उन्हें गाय मार डाली। प्रकरण संज्ञान में आया है कि जो छिबरामऊ ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत एक शाजमऊ ग्राम पंचायत है, जहां पर इस तरह की घटना संज्ञान में आई है कि कल रात में कुछ सांड के द्वारा एक गाय पे हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हुई है। तत्काल अभी डीपीआरओ को और वीडियो को निर्देश किया गया है कि स्वयं मौके पर जाके इसकी जाँच करें, और इसके लिए कौन जिम्मेदार कर्मचारी है उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते हुए रिपोर्ट दें, और जो भी इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लगातार इस पर कार्रवाई जारी है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं वहां पर आवारा पशुओं को रखा जा रहा है। कदाचित ऐसे भी प्रकरण संज्ञान में आए हैं कि कुछ लोगों ने अपने पालतू जानवर जो दुधारू पशु नहीं है उनको